आज आदर्श रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसके दौरान केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिश्रम पर फॉर्मेंस को गाली देने की धुन में कुछ लोग सेना के शौर्य पराक्रम को गाली देने लगे हैं। रामपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सेना के शौर्य पराक्रम का अपमान और आतंकवादियों अलगाववादियों का सम्मान करने की होड़ में कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय सुरक्षा के दुश्मन बनते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के शौर्य पराक्रम के अपमान में गुरु नंबरी चेला दस नंबरी है। साथ ही नकवी ने कहा कि ये पहला मौका है जब आतंकवादी ही नहीं बल्कि उनके दोस्त अलगाववादियों पर भी बड़ी कार्यवाही का शिकंजा कसा गया है। जो ताकतें की देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा को गाली दे रही है, अपमान कर रही है, बदनाम कर रही है, उनको परास्त करने का चुनाव है, उनको शिकस्त देने का चुनाव है। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता सैम पट्रोदा, जो राहुल गांधी के गुरु हैं, जो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के गुरु हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के गुरु हैं, उन्होंने कहा कि भाई पुलवामा में अगर जो है हमारे सुरक्षा बलों को कुछ आतंकवादियों ने शहीद कर दिया तो क्या जरूरत थी बालकोट में घुस करके मोदी जी को सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने की, उनका कत्लेआम करने की, उनको तबाह करने की। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय में, समाजवादी पार्टी के समय में, बहुजन समाज पार्टी के समय में, कम्युनिस्ट पार्टी के समय में तो रोज ये होता था